विकास को चले आता भारतीय जनता पार्टी के एमपी हमेशा भाग्य आए पटेलवाल मेघवाल बंसीवाल और आपके मौजूदा सांसद साहब भारत सरकार से ऐसा नहीं है। आपको इसको मेरे को एक समय अवसर दिया इस जिले को दोनों माधोपुर को इनको पिछले भारत सरकार ने किया 2500 करोड़ यहाँ देते 2200 करोड़ वहां देते रेल की बड़ी हमारी समस्या थी इस रेल को मंजूर कराने आप लेते हो मंजूर कराई हाँ मेरे को मौका रखा लेकिन मेरे को पीछे से धक्का देने वाले पायलट साहब और रघुवीर शर्मा बैठे तीनों के सहयोग से ये रेलवे लाइन मंजूर हुई है और भारत सरकार ने मंजूर करी पड़ी हुई है। कृपया आप और आदरणीय अशोक जी गहलोत ने उस समय सहमति दी हम सरकार को सरकार इसमें जमीन दे देगी सर अब समय आ गया है मुख्यमंत्री जी और डिप्टी जी बैठे हैं इस कामयाब करेंगे हमारे सारे जिले की छाया विकास के लिए आप देख लीजिए कांग्रेस की सरकार ये सारे जिले में जो भी ग्रेडी स्टेशन राजस्थान बनाए केंद्र सरकार की राजस्थानी विद्युतीकरण योजना और अशोक जी गहलोत के टाइम में बने 10,000 आपके राजीव गांधी सेवा केंद्र राजस्थान भारत सरकार की योजना के तहत नरेगा इस जिले में और सब जिलों में यूपीए सरकार में हमने पहला उद्घाटन मैंने इस जिले में और माधोपुर जिले में आपके बीच में किया था दो पुलिया हैं तीन तमाकुर सवाई माधोपुर की आज 10 और ऊपर की रुपया एक हमारे आदरणीय पायलट साहब ने जो हमसे बच गया था उसको अब सेंशन कर दिए देखिएगा कांग्रेस के लोग चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे एमपी और एमएलए हम काम करने में विश्वास किया आज इस जिले में जो भी आपके कितने आप देखिए कितने बैंक खुले मैंने 60 साल में जितने बैंक नहीं खोले 5 साल में आपके जिले को मुख्यमंत्री का सर आप मॉडल स्कूल सारे आपके दोनों जिलों में 11 मॉडल स्कूल आज भारत सरकार की योजना के तहत में किया एक के बाद एक योजना है भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं थी जिससे आप देख लीजिए पिछले 5 साल में न केवल कम सवाई माधोपुर में राजस्थान भर में किसी योजना के नाम से केंद्र सरकार ने जो किया ऐसी ऐसी योजना लाए जिनको लोग बाग स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया मुद्रा योजना भगवान जाने किसी को कोई फायदा हो सकती है हमारी सारी योजना के नाम बदल राजस्थान के आते हैं छोटी जनरल ने जो योजना बनी उनको राजस्थान सरकार को पहले और आज हमारी सरकार ने कितने से दिन जो वादे किए आदरणीय अशोक जी गहलोत पायलट साहब और पांडे साहब बताएंगे मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जो भी कांग्रेस ने वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे पहले भी किए अब आपका सवाल है बारी है कि केंद्र सरकार राजस्थान में आपने सरकार बना दी अब आपसे मैं विनती करता हूँ केंद्र सरकार ने भी सारे राजस्थान के 25 से 25 एमपी भेज करके और केंद्र की सरकार हमारी सरकार राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा इसी विनती के साथ धन्यवाद जय हिंद नमस्कार और हमारे आदरणीय नेता आए पहले आगाज यहाँ पार्लियामेंट का किया उसके लिए उनको धन्यवाद जय हिंद नमस्कार राम राम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों